तो दोस्तों, क्या आप इस तरीके से 5 मिनट में अपना बेल आइकन इंट्रो बनाना चाहते हो अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए, या फिर अपने यूट्यूब चैनल के लिए आप इंट्रो लगाना चाहते हो कि सब्सक्राइब इंट्रो लगाना चाहते हो? तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको बेसिक से एडवांस ट्रिक बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, जिसके हिसाब से आप बिल्कुल फ्री में इस तरीके से लगा सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, आपको डेली ऐसी वीडियोस मिलती रहती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको दोस्तों उसको ऐसा बनाने के लिए आपको दोस्तों 2-3 चीज़ डाउनलोड करनी पड़ेगी। पहला तो आपको काइनमास्टर डाउनलोड करना पड़ेगा। अब दोस्तों, काइनमास्टर कैसे डाउनलोड करेंगे और किस स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस मैंने अपनी वीडियो में बता के रखी है। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके आप वीडियो देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख के भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हो काइनमास्टर। और दोस्तों, काइनमास्टर लेटेस्ट वर्जन है विदाउट एनी वाटरमार्क, आपको वाटरमार्क भी नहीं मिलेगा, आराम से एडिटिंग कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, दोस्तों यूट्यूब पर आना होगा, यूट्यूब पर आना होगा दोस्तों, और यहाँ पर आपको लिखना होगा दोस्तों ग्रीन स्क्रीन सब्सक्राइब बटन। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे ग्रीन स्क्रीन सब्सक्राइब बटन, आपको नीचे आने नीचे आने हैं, और दोस्तों आपको ये वाली एप्लीकेशन को ये वाली वीडियो को डाउनलोड कर लेना है ऐसे। और जैसे उसको डाउनलोड कर लेते हो, उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको दोस्तों काइनमास्टर डाउनलोड कर किया है उसको इंस्टॉल कर लेना है। उसको इंस्टॉल कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 16.9 इंच की डिस्प्ले आ जाएगी, वहाँ पर आना है। उसके बाद दोस्तों मीडिया में आएंगे, और जो आपने लेयर डाउनलोड किया था, जो वीडियो डाउनलोड की थी, उसको आपको यहाँ से पिक कर लेना है। जैसे आप पिक कर लेते हो दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये वाली ले लेनी है, ऐसा ले लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको थोड़ा बहुत कट करेंगे। जैसे ही कट करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हो दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, यहाँ पर हम उसको कट कर लेंगे। जैसे कट कर लेंगे, इसके हिसाब से ये चला जाता है, तब तक हम यहाँ पर वेट करते हैं ऐसा। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर हम उसको इसको भी यहाँ पे कट कर लेंगे। तो दोस्तों हमारे सामने कुछ ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट आ चुके हैं इस तरीके से। अब दोस्तों ऐसे इंटरफेस आ चुके हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, टेक्स्ट पे जाएंगे, और यहाँ पर आपके चैनल का नाम आप लिख सकते हो। जैसे कि मेरा चैनल का नाम है टेक्निकल राजू, तो यहाँ पर मैं टेक्निकल राजू कर लेता हूँ, यहाँ पर हम ऐसा कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम उसके कलर को भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, तो कलर हम रेड रखेंगे क्योंकि रेड अच्छा दिखता है। उसके बाद हम फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि एकदम अच्छे फॉन्ट दिखे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे उसको ऐसा कर लेंगे दोस्तों, ऐसा हो जाता है। उसके बाद हम उसको साइज को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं यहाँ से, ऐसा हो गया दोस्तों। उसके बाद हम उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि अच्छा दिखेगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारी चैनल का नाम आ चुका है, सब्सक्राइब वाला इंट्रो भी आ चुका है। अब दोस्तों हम उसको प्ले करके देखते हैं। तो दोस्तों जैसे ही प्ले करेंगे, आप देख सकते हो कि ये थोड़ा अलग दिख रहा है और ये नीचे भी जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम उसको थोड़ी अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा हमने एडजस्ट कर लिया। अब प्ले करके देखते हैं, तो यहाँ पर अच्छा प्ले हो रहा है, सही चल रहा है, लेकिन लास्ट में भी ये सब नीचे जा रहा है और नेम वैसा का वैसा रह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ऐसा नेम नीचे रह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ये नीचे जा रहा है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको स्प्लिट एंड प्ले हेड कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो लास्ट वाला है उसमें आप जाएंगे, आउट एनिमेशन में जाएंगे हम। उसके बाद दोस्तों स्लाइड डाउन में जाएंगे, और दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं स्लाइड डाउन में जाएंगे, तो आप देख सकते हो। अब दोस्तों उसको हम प्ले करके देखते हैं कैसा काम करता है। तो आप देख सकते हो कि ये नीचे जा रहा है और नेम भी नीचे जाएगा इस तरीके से। तो दोस्तों ये परफेक्टली वर्क हो चुका है, परफेक्टली वर्क हो जाता है। तो उसके बाद हम यहाँ पे उसको एक्सपर्ट कर लेते हैं दोस्तों, एक्सपर्ट कर लेते हैं, तो फटाफट से एक्सपर्ट भी हो रहा है हमारा, एक्सपर्ट हो जाता है। तो उसके बाद हम कैसे लगेंगे उसके बारे में बात करने वाला हूँ दोस्तों। कैसा बना है वो मैंने दिखा दिया, अब दोस्तों उसको कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पर आपको फिर से आना है, आपको एक नया प्रोजेक्ट ले लेना है। आप कोई भी वीडियो एडिटिंग करते हो, मान लो कोई भी वीडियो एडिटिंग करते हो, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों मैंने एक वीडियो लगाई, चलो मैं ये वीडियो लगा देता हूँ। तो इस वीडियो में मैं यहाँ पर वीडियो की एडिटिंग कर सकते हो, यहाँ पर आप कलर फिल्टर लगा सकते हो इस तरीके से, इस तरीके की वीडियो को HD बना सकते हो, जो कि मैंने बताया नहीं, एक नई वीडियो में बता दूंगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लेयर में आना है, मीडिया में आना है। उसके बाद दोस्तों आपने जो भी एक्सपोर्ट किया था, वो एक्सपोर्ट के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको कोई भी एक मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्सपोर्ट वाला फोल्डर कहाँ है। आपको जो आपने एक्सपर्ट किया था, वो एक्सपर्ट आपको यहाँ पर डाउनलोड जो पिक कर लेने को मिल जाएगा, तो उसको आप आराम से पिक कर सकते हो दोस्तों।
उसके बाद आप इसको आराम से ले सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फोल्डर कहाँ गया है। यहाँ पर मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ क्योंकि पेज लोड होता है। पेज लोड होने के लिए यहाँ पर लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, उसके बाद दोस्तों एक्सपर्ट वाले ये पहले ऊपर रहा, उसके बाद यहाँ पर ऐसा लगा लेंगे। अब जैसे ऐसा लग गया आपके हिसाब से साइज को छोटी बड़ी भी कर सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो। चलो हमको बीच में लगा, तो हम बीच में लगाते हैं। उसके बाद दोस्तों क्रोमा की जाना है, यहाँ पे उसको इनेबल कर लेना है। जैसे इनेबल कर लोगे आप देख सकते हो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप देख सकते हो कुछ ऐसा वर्क होता है, इस तरीके से वर्क होता है दोस्तों। और इस तरीके से आप बिल्कुल फ्री में ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट लगा सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप लगा सकते हो। और दोस्तों बहुत सारे लेयर भी हम लगा सकते हैं। दोस्तों मैंने एक एक्सपर्ट किया था जो मैं आपको दिखाना चाहता था, कि मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि एक्सपर्ट मैंने कैसे किया था और किस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आप इस तरीके से ग्रीन स्क्रीन लगा सकते हो। तो ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन आज की वीडियो के उन्होंने बताया कि किस तरीके से बेल आइकन इंट्रो लगा सकते हैं अपने यूट्यूब वीडियोस में और किस तरीके से डाउनलोड करके एडिटिंग करके लगा सकते हैं उसके बारे में बताया है। दोस्तों आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।